हमारी तो नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो बिना उसके जी रहे। हमें तो पति की तक अभी हमें नौकरी नहीं मिली है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं करा, सरकार लड़ती रहती बीच बीच में और हम गरीबों की परेशानी होती है। हरी सब्जी तक इतनी महंगी है, क्या करेगा इंसान, खाएगा क्या? और जिसके कान कोई कमाने वाला नहीं होगा उसके बच्चे कैसे पालेंगे? वो तो आते वोट दे दो करके। कम से कम नौकरी तो खुले तो उसमें बच्चों का कुछ आगे करने का सोचें। बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वगैरह, कोचिंग वगैरह की फीस देखो कितनी महंगाई है। घर चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएं, क्या क्या करें? हमारा बेटा भी बेरोजगार बैठा हुआ है, वो महंगाई इतनी है, बेटी को कैसे पढ़ाइए बताइए? ये मकान बिल्डिंगे टूट रही है, बिल्डिंगे जब चुनाव जीत जाते हैं फिर जाएंगे तोड़ने, अभी चुपचाप बैठे हैं, अभी नहीं तोड़ रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इलेक्शन पल्स, चुनाव मध्य प्रदेश, और मैं हूं भोपाल। भोपाल में एक बहुत खास जगह पर, जहां पर इस जगह का नाम ही गड्ढे वाली गली है, और पूरा का पूरा इलाका भीषण गरीबी और भीषण बेरोजगारी से लड़ता हुआ, मेहनत करता हुआ जिंदा रह रहा है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो मेरे चारों तरफ बैठी हुई हैं, ये अधिकांश महिलाएं घरों में काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूरी भी कई लोग कर चुके हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि यह चुनाव भाजपा और खास तौर से शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से महिला मुद्दे पे लड़ रहे हैं, महिलाओं को सौगात देने के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है लाडली योजना, जिसमें 1250 रुपये, जी हाँ, 6 महीने के भीतर 1250 रुपये देने की बात की, क्योंकि वोट चाहिए, वोट चाहिए, इसलिए रसोई गैस भी कम करने की बात की। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है कि ये महिलाएं किस तरह से इन चुनावों को देख रही हैं, और ये जो सौगाते हैं क्या इसे कनेक्ट कर पा रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की सौगाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, आपका मुद्दा क्या है? यहाँ पे 20 साल से शिवराज जी की सरकार है, क्या होगा इस बार? अब क्या होगा, ये तो ऊपर वाले ही जाने हैं, ये तो कुछ नहीं जान सकते अपन। पर यही है कि मेरे बच्चों की तो कोई की भी नौकरी नहीं है, ना बहू उनकी नौकरी है, बेरोजगार बैठे हुए हम, तो जवान लड़की घर में आएगी, पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं है हमारे करने, तो कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को हम, ये बता क्या होगा? वो सिलाई करते हैं और अपना पेट भरते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा उसको भी मजदूरी करो, जो अनपढ़ गवार होगा वो भी। कमी हो गई ना दीदी, अब नौकरी बची ही कहाँ है? अब बच्चे तो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे पढ़ाई में भी, बोलते हैं अरे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, क्योंकि भाई नौकरी नहीं बची तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके करेंगे क्या? जाएंगे माँ बाप के साथ, यही जिंदगी है, कोई नहीं। लेकिन अभी शिवराज जी अपने को मामा बोलते हैं, और उन्होंने राखी पे आप लोगों के लिए काफी तमाम महिलाओं के लिए लाडली योजना की, अभी मैं देख रही हूँ कि सिलेंडर भी कम कर दिया, तो उससे फायदा नहीं होगा उनको? नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में शिवराज मामा को याद नहीं आई, जब लाडली बहना की याद नहीं आई थी कि हाँ मेरी लाडली बहना है, जब भूखे मर रहे थे जब, और अब राखी आई लॉकडाउन के बाद, चुनाव के लिए उन्होंने 1000-1000 रुपए डालना शुरू कर दिए। तो आपको लगता है चुनाव के लिए? हाँ चुनाव के लिए है, ये दे रहे हैं 1250 रुपए में क्या महीना चलेगा, और क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? 1250 रुपए में कितना महीना चलेगा? महंगाई कितनी हो रही, 100 रुपए किलो प्याज हो रही है, 40 रुपए किलो जे हो रहा है लहसुन प्याज, ये सब इतना महंगा तो हो रही है, तेल इतना महंगा है, गैस की टंकी अभी कर दी सस्ती, गैस की टंकी 1000-1000 रुपए की आ रही, 1250-1200 में क्या क्या खाएगा और क्या पढ़ाएगा? अब ये लालच दे दी महिलाओं को, 1250 रुपए आ रहे हैं, 1250 रुपए आ रहे हैं, जब से ये चुनाव पास में आया जब से 1000 रुपए डालने लगे, 1000 रुपए के बाद अभी राखी से 1250 रुपए कर दिए रक्षाबंधन से, लाडली योजना। हाँ उसके पहले कहाँ मिलते थे? तो इससे औरतों के वोट मिल जाएंगे? नहीं, ऐसे देखो 1250 रुपए में कौन देगा, और जीत गए तो फिर वो 1250 रुपए देंगे नहीं देंगे ये कौन जिम्मेदारी ले रहा? लेकिन सिलेंडर भी तो कम कर रहे हैं, तो वो सिलेंडर भी इसी बात पे कम कर दिया ना कि वो आ रहा ना चुनाव, इसलिए कम कर दिया, नहीं तो सिलेंडर भी तो 1000 रुपए का 1100 का ही आता था। पहले जो सरकार थी उसमें कम से कम ये तो सुकून था कि राशन लेके जा रहे हैं, बस लिख रहा है लेके आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब अंगूठा पहले मतलब कांग्रेस की सरकार बोल, हाँ कांग्रेस की सरकार में, और अब
अब भाजपा की सरकार में जब तक अंगूठा लग 3 घंटे लाइन पे लगने के बाद अंगूठा नहीं लगा, फिर जाओ भाई फलानी तारीख पे आना, मिलता ही नहीं। और फलानी तारीख पे गए तो दीदी अब नहीं मिल रहा है, बाद में आना। अब बार बार क्या सीएम हेल्पलाइन पे भी फोन लगाओ, वही है ना कि दीदी तुम शिकायत कर देती हो हमारी, अब हम नहीं करेंगे तुम्हारा। अंगूठा ऐसा हो जाता है दीदी, नहीं अंगूठा नहीं मिला, आदमी खड़ा है तो आदमी का कोई मतलब नहीं, अंगूठे का मतलब है। चुनावी वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। आप यहाँ अगर आप बस्ती में किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि यहाँ के पार्षद इन 5 साल में कभी आए नहीं, बस वोट लेने के लिए आते हैं। तो मैं चुनावी माहौल को इस तरह से देख पा रही हूँ कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं तो वो लोगों के लिए खड़े हुए हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग अपने वोट देते हैं। और लोग चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी उनके पसंदीदा हो और जिनको वो वोट देते हैं तो वो उनके हक के लिए और उनकी बस्ती के लिए काम करें। एक सीधा सवाल आपसे कि क्या इन चुनाव में मध्य प्रदेश में सत्ता चेंज होगी या शिवराज या भाजपा वापस आएगी? अधिकांश तो यही लग रहा है कि जितना भी हम लोग बस्तियों में विजिट कर रहे हैं देख रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि कोई और अब इस सत्ता में आए, ना कि शिवराज सिंह चौहान आए। हाँ अगर आप देखें तो पार्टी के रूप में मामा को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो खास तौर पे बहनाएं क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी के जो माहौल देखा जा रहा है जो 5 साल में, तो लगता है कि सरकार बदल सकती है।